अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी जी। वैसे एक बात बोलूँ, मैं यहाँ पे सोनिया का ढाबा ये रखना चाहिए था। सोनिया के ढाबे में आज बनेगा जी चिकन का ग्रेवी और शोरबे वाला सालन, साथ आलू शामिल करूँगी जी। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू कर दिया मैंने काटा पीटी का काम। तो सबसे पहले जो है ना, मैंने मसाले वगैरह सब चीज़ें डाल के रख दिए हैं। आलू छीलूंगी, प्याज छील दिया है, टमाटर मैंने पानी में डाल दिए हैं, धनिया, हरी मिर्च, थोड़े से आलू शामिल करूंगी। चार आलू हैं लेकिन पांच करने चाहिए थे, हम लोग घर के अफराद पांच हैं, लेकिन जन्नत के पापा आलू नहीं खाते तो उनके आलू मैंने काट दिया बीच में से। पहले सारी तैयारी कर लूँ, अदरक लहसुन पीस लूँ छील के, उसके बाद प्याज चढ़ाती हूँ जी। अच्छा जी, बड़ी बुरी खबर ये है कि हमारी लाइट चली गई है। लाइट चली गई है, जिस टाइम लाइट गई है उस टाइम लाइट का जाना हमारे लिए इसलिए बुरा कहा जाता है कि वो फिर पूरा दिन नहीं आती। तकरीबन अब ये 3 बजे आएगी, ये 4 बजे आएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, प्याज शामिल कर दिया है जी मैंने, घी गर्म हुआ है। तो अब जो है ना, टमाटर काट लूँगी और मैं अदरक लहसुन भी मैंने पीस लिया है। यहाँ पे जो है ना, जन्नत के बाबा जब से कराची से आए हैं ना, इतने सुस्त हो गए, इतने सुस्त हो गए ना, किसी काम में मेरे साथ जो है ना हिस्सा नहीं लेते किसी काम में। पहले हर काम में मेरे साथ हिस्सा ले लेते थे, खाने पकाने में, कुर्सी उसमें, अब मुझे अकेले ही करना पड़ता है। तो बोलते हैं कि सोनिया ना, मैं बात करना चाहता हूँ तो ना मैं आपके किसी काम में हिस्सा लेना चाहता हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, ये हिम्मत करूंगी, चलें उनकी मर्जी। अच्छा बोलो कुछ, तो पता है क्या बोलते हैं? बोलते हैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही सेट नहीं है सोनिया, सुस्ती से आई हुई है, बस दिल ही नहीं करता किसी काम को। तो फिर जब बीमारी का नाम लेते हैं तो फिर क्या बोले आदमी किसी को। तो मैं कहती तो हूं कि कुछ उठ के काम वगैरह करा करें, बस मेरी तबीयत सेट नहीं है सोनिया, बस मैं फिर ज़्यादा वही नहीं करती हूँ कि देखें ऊपर से तो आदमी अच्छा लगता है, क्या पता अंदर से कोई बीमार हो तो उसको इसे करना नहीं चाहिए। तो फिर मैं, हालांकि मुझे एक बार किसी किसी बात पे गुस्सा आ जाता है, मैं बड़ा कंट्रोल करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेअंता रहमत, बेअंता करम और बेअंता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सोनिया जी मेरे बारे में कुछ बात कर रही थी, कुछ तो इसने सही बोला है। जो सही बोला है वो ये कि मैं बात करना नहीं चाह रहा था। तो जब सोनिया ने मेरे खिलाफ एहतजाज शुरू किया इतना प्रोपेगंडा किया तो फिर मुझे जो है ना अपने दिफा में बोलना पड़ा, क्योंकि ये आप कहा के आग बात कहना भी जो है ना वो अच्छी बात है। तो बात ये जी, काम तो मुझे सारे ही करने पड़ते हैं, अब तो कुछ ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि एक नहीं दो नहीं तीन तीन वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, कमेंट के जवाब देना, फिर घर के काम साथ करना, सौदा सल्फ लाना और दूसरे मामला। तबीयत क्या, गरीब आदमी की अपनी तबीयत देखे या अपनी जिम्मेदारियां देखे, तो ये तबीयत के मामले जो है ना ये तो ख़राब भी रहें तो जस्तजू फिर भी करनी ही पड़ती है ज़िंदगी के मामले में। तो इसको साइड पे रखना पड़ता है, इसको गले से लगा के अगर आप रखेंगे तो फिर तो मामला बड़ा ही ख़राब हो जाएगा। कहने का मकसद ये, सोनिया सामने होती है, रेसिपी बना रही होती है, तो मेरा अच्छा नहीं लगता बार बार टोकना सोनिया को। अपनी मर्जी से तो बनाए। सोनिया अपनी मर्ज़ी से बातें करे, अपनी मर्ज़ी से बताए आपको जो भी बता रही होती है। देखे जी कैसे आए हैं रास्ते पे। तो मैं इसीलिए जो है ना बीच में नहीं बोलता, बोलता हूँ तो अक्सर फिर हमारी तू तू मैं उन्हें लग जाती नहीं, है। अगर किसी को बुलवाना हो तो उसके खिलाफ एक बात करें तो फौरन अपनी राय में इजहार जरूर देंगे। देखा ना नहीं, मैंने लाजमी बात है, अब ये वीडियो पब्लिक में जाता है, कुछ नए बहन भाई होते हैं, पुराने को तो पता है कि सोनिया मजाक कर रही है, नए वाले जो होते हैं वो बोलते हैं शायद
इनके शोर कोई जालिम या लेजी किस्म के आदमी जो बीवी के साथ बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते। अल्लाह का शुक्र है मिल बांट के सारा काम चलाते हैं। ये नहीं कि मैं ज़्यादा करता हूँ सोनिया कम करती है, हर किसी ने अपने से की जिम्मेदारी संभाली हुई है और ये घर का निज़ाम इसी तरह चल रहा है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अदरक लहसुन शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिकन शामिल करूँगी जी, कल चावल बनाए थे तो ज़्यादा चिकन ले आए थे, स्वीटनेस मैंने थोड़ी सी रख दी। आज चलें बच्चे जो है ना ये सालन बड़े शौक से खाता है, हुसैन बोलता रहता है मम्मा ग्रेवी वाला सालन बनाओ और रोटी में चूरी बना के खाऊं। चलें जी टमाटर भी शामिल करते हैं। एक साल के बाद तो हाँ मेरी वालदा जिंदा थी ना, वालदा जिंदा थी जी, ये मैं और सोनी आए थे अपने गाँव, मसाले शामिल करूँगी जी नमक अपने गाँव आए थे वो ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम साथ साथ इसकी कर रही हूँ जी मैं बनाई, ये देखें आटे भी मेरे अच्छे तरीके से नरम हो गए। अच्छा जी ये मेथी डालने के बाद जो खुशबू आती है ना यकीन माने भूनते हुए। अच्छा जी मुझे ये मुर्गी का पोटा बड़ा पसंद है। एक कॉल आ गई थी जी, मोबाइल बंद हो गया था वीडियो। अभी पानी शामिल किया है, अब इसे पकने देंगे, इसको इसकी आल पे छोड़ देंगे। अच्छा जी मैं अक्सर ना लोगों को ऐसा खाना पसंद नहीं आता, वो कह देते हैं इतना पानी, तो जिनको पसंद नहीं आता जजमेंट जो है ना बगैर आजमाए हुए जजमेंट करना अच्छी बात नहीं, आप लोग ट्राई करें। और दूसरी बात ये ना आपको उसके ऊपर आप बोल रहे होंगे कि शायद इस पे ऑयल भी बहुत ज़्यादा है, यकीन माने जो खाने आम रूटीन में बुनाई करके बुनाए जाते हैं ये वैसा घी नहीं है, ये तो शोरबे वाला सालन है, हमने थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च भी इस्तेमाल करते हैं उससे कलर ऊपर आ जाता है, जो थोड़ा बहुत घी होता है वो भुनने के बाद ऊपर आता है तो वो नज़र आ रहा होता है, इतना ज़्यादा घी हम लोग नहीं इस्तेमाल करते। मैंने यहाँ पर जो हमारे केपीके के साइड के खाने हैं ना तो अक्सर बड़ा गोश्त और भैंस का ये बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो अक्सर जगहों पे चर्बी के साथ खाया जाता है। चलें ये सालन हमारा तैयार हो चुका है, धनिया भी मैंने शामिल कर दी है, तो अब चलते हैं नीचे और जब रोटी खाने हुई तो आपने तो फिर बना लूँगी। ठीक है अभी तो काफ़ी टाइम है जी, चलें फिर नीचे चलते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना तो हमारा तैयार है, लाइट हमारी नहीं आई तो इस वजह से मजबूरी जा के रोटियां लेके आए। सोनिया ने कहा इस गर्मी में रोटियां लगाऊंगी तो मेरी हालत भी ख़राब होगी और दूसरा अंदर कमरे में और ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। कद्दू वाली कड़ी जी हमारे पास पहले की मौजूद है, सालन के साथ में एक नवाला लगाता हूँ। नहीं मैं कद्दू वाली कड़ी मैं खाऊँगी, आप रोटी चूड़ी बना के खाएँ। ये सालन तो फिर बहुत ज़्यादा है, बचला खा लेंगे वो भी, आपको पता है चूरी वाला सालन खाते हैं, मैं कड़ी खाऊंगी, मेरे को आज दिल बहुत ज़्यादा कर रहा है। अच्छा जी कुछ टुकड़े थे भूसी वो जाके उन्होंने दुकान पे दिए और आते हुए ना कस्टर्ड और दूध ज़्यादा ले आए हैं, तो हमने आज कस्टर्ड भी बना लिया, साथ इजाफा कर लिया, कुछ कबाड़ वगैरह हमारे घर से निकल जाए तो वो बेच के हम लोग कुछ पार्टी वगैरह कर देते हैं। मेरी कड़ी को मत हाथ हाथ लगाएं, कड़ी ना खाएं और अपना सालन खाएं रोटी, तो बताएं कैसी बनी है। मैं बाहर जाके बैठूं जी, मेरे गर्मी लग रही है मुझे। जबरदस्त, मैं तो फिर वही कहूँगा अल्लाह पाक का बेहिसाब शुक्र है, अल्लाह पाक जी नेमते सबको नसीब करे, और जब तक आप पका के खाते नहीं हैं तो आप भी कुछ कह नहीं सकते, या हमारे घर आएंगे हम पका के खिलाएंगे तो फिर आप कहेंगे कि वाकई ये जैसा वीडियो में नज़र आता है उससे भी मज़े का है। चलें जी आज की रेसिपी ये थी हमारी, आपके साथ शेयर किया, हमारी रेसिपी पसंद आए इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, बाद रहें, अल्लाह ताला आपको रमें अपने जमान में रखें, हमें दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।